करता हुआ टीम एनिग्मा की कि वो अब यहाँ से फिनिशेस के लिए जाने की कोशिश करने वाले। मीनवेल टीम फोर हीरोज की बात करें, व्हीकल लेकर के टीम गॉडलाइक के काफी करीब से जा रहे हैं। जोनाथन यहाँ पर एक बढ़िया स्प्रे देंगे मूविंग व्हीकल पे। किंग अभी के लिए डाउन है, गॉडल जीएल वहां पर उनका नाम है, उनको भी यहाँ पर स्पॉट करके काफी ज्यादा लो जरूर से किया गया। चलिए यहाँ पर गॉडल जीएल वर्सेस टीम गॉडलाइक, ये फाइट देखने में बड़ा मजा जरूर से आने वाला है। सर्कल के अंदर टीम गॉडलाइक एक अच्छा डिप इनके पास मौजूद है, बट जब भी आप डिप में होते हो तो ग्रेनेड आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। टीम गॉडलाइक जिस अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं फिलहाल वही अग्रेशन दिखाते हुए। किंग ऑलरेडी डाउन है, उनका फिनिश यहाँ पर इजिली सिक्योर किया जा सकता है। एंड गॉडल जीएल जो है उनको भी वहां पर इजिली डाउन किया जाएगा। जोनाथन वो प्रेज जो इनके लिए जाने जाते हैं वो एक बार फिर से जाएंगे। एंड टीम फोर हीरोज के दो हीरोज अभी के लिए लॉबी छोड़ते हुए, उनका नाम है गॉड आई जीएल, बट ज्यादा कुछ आगे वो कर नहीं पाए। गॉड आईजीएल को यहीं पे डाउन किया जाएगा। चारों प्लेयर को जिस तरीके से उन्होंने स्प्रेड कर रखा है, फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाल सकते हैं। और फिनिशेस की मैं बात ही कर रहा था, एक और नॉक गॉडलाइक की तरफ से हमें देखने को मिलता हुआ बिल्कुल इजीली वहां पर जो फिनिश है वो सिक्योर हो जाएगा। टीम बी की बात करें, यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल में जरूर से नजर आ रहे हैं नियो विद दैट ग्रेनेड, क्या ये कनेक्शन बना पाएगा। मीनवाइल आप देखिए अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीम को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जोनाथन एक तरफ, नियो एक तरफ, और हर तरफ अभी के लिए जो एक तांडव है वो हमें देखने को जरूर से मिलता हुआ। कितने फिनिशेस यहां पर ले पाएंगे वो एक देखने वाली बात। मीनवाइल सोल के युवा ने वहां पर एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, डाउन किया टीम इनसेन से। अब यहां पर थोड़ा दूर वो बनाया जा रहा है, नियो यहां पर ग्रेनेडियर का रोल अदा करेंगे। जिंग पीछे भी प्लेयर्स मौजूद है और अब डाकू यहां पे फंस चुके बिकॉज दोनों साइड से आ रहे हिट पैन बहुत ही अच्छी पोजिशनिंग था। डाकू जो कि 16 मैन सर्वाइव कर रहे थे उनको भी यहां पर एलिमिनेट किया जाएगा। एलिमिनेशन हमें टीम मायावी का भी देखने को मिलता है, बट टीम गॉडलाइक की बात करें वो यहां पर राइज कर रहे हैं, वो यहां पर शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी गॉड डाउन जरूर से, जादू आर ई स्पोर्ट्स के उनकी पोजीशन भी शायद रिवील्ड है। कुछ ग्रेनेड वापस स्पैम किए जाएंगे। कनेक्शन बनाया ये ग्रेनेड जोनाथन का, लेकिन वहां पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि फिनिश निकाला जाए। इफ कर रहे हैं फिर और भी सर्वाइव कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। बट इसके साथ फ्रॉस्टी डाउन हुए, मोस्ट बॉल भी खत्म हो गई उनकी टीम। जोनाथन डाउन, हिटमैन योद्धा को डाउन करते हुए क्लच गॉड किस भी बहुत ज्यादा, मोस्ट बॉल भी डाउन तो दिखाई देंगे। बिल्कुल लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे नियो अपनी टीम से बड़े। इस वक्त टैक्टिकल के प्लेयर काफी ज्यादा मुश्किल में, किड अकेले प्लेयर सर्वाइव करते हुए। एक्स लाइन जो पिछला मैच चूक गए थे इस मैच में नहीं चूकने वाले, और अब बारी है 1v4 की। एग्जैक्टली यहां पर एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं, नियो है उनका नाम। टीम गॉडलाइक टॉप टू में यहां पर आते हुए नजर आ जाएंगे। टीम टैक्टिकल का एक बार फिर से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाएगा। टीम एक्स लाइंस की बात करें, एक बार फिर से वो टॉप थ्री में हमें देखने को मिल जाएंगे। क्या नियो यहां से कुछ कमाल कर सकते हैं वो अब एक सवाल जरूर से रहता है। काफी ज्यादा मुश्किल जरूर से रहने वाला है क्योंकि पोजिशन इनकी कहीं ना कहीं रिवील्ड अब यहां से हो सकती है। स्मोक्स इन्होंने यहां पर थ्रो करे, साथ ही साथ 1v4 का सिनेरियो। टीम एक्स लाइंस के चारों खिलाड़ी जो है वो यहां पर सरवाइव कर रहे हैं। लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है। योद्धा माधव समुराई आप देखिए वो सिंपली यहां पर एक तरीके से तलाश कर रहे हैं उस आखिरी खिलाड़ी की। योद्धा को फाइनली स्पॉट किया जाएगा एंड स्प्रे डाउन भी किया जाएगा। पहला नॉक आ चुका है, क्या 1v4 यहां पर योद्धा को स्पॉट करके डाउन किया। नियो इज लुकिंग एंग्री टुडे, वहां पर एक ग्रेनेड जो है वो भी स्पैम किया जाएगा। सिंपल लेफ्ट साइड में मौजूद जरूर से माधव के काफी करीब वो ग्रेनेड जाएगा जरूर से, बट अगेन वो कनेक्शन आएगा लेफ्ट साइड में खिलाड़ी मौजूद है, बट यहां पर पॉसिबल हो नहीं पाएगा। टीम एक्स लाइन एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए।